नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपकमिंग बेटू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वदेश बैरी जी के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 1988 में इनकी पहली मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और कलेक्शन के हिसाब से इनकी पहली वाली मूवी हिट रही। वैसे ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी थी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए। 1990 में इनकी दूसरी मूवी आई घायल और भाई सब कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों घायल मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1992 में इनकी मूवी आई वंश और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई युद्धपथ और ये भी डिजास्टर रही। 1993 में इनकी मूवी आई कायदा कानून और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी एवरेज रही। 1994 में इनकी मूवी आई फौज और ये वाली मूवी फ्लॉप रही। 1995 में इनकी मूवी आई पुलिस वाला गुंडा और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी हिट रही। दोस्तों ये वाली फिल्म काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई वीर गति और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आर्मी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शोहरत और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। 1997 में इनकी मूवी आई बॉर्डर और भाई साहब कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वैसे दोस्तों ये वाली फिल्म काफी ज्यादा अच्छी थी। 1999 में इनकी मूवी आई शंकर शंभू और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। साल 2000 में इनकी मूवी आई रिफ्यूजी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली फिल्म एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वो बेवफा है और ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेचैनी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। साल 2001 में इनकी मूवी आई कामा सूत्रा और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली फिल्म एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और ये वाली फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अवगत और ये वाली फिल्म फ्लॉप रही। 2002 में इनकी मूवी आई ईंट का जवाब पत्थर और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मां तुझे सलाम और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्या दिल ने कहा और ये वाली मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आखिरी इंतकाम और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काबू और ये भी डिजास्टर रही। साल 2003 में इनकी मूवी आई आज का अंधा कानून और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बॉर्डर हिंदुस्तान का और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एलओसी कारगिल और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। 2004 में इनकी मूवी आई वजह और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2005 में इनकी मूवी आई अनलिमिटेड नशा और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई टैगो चार्ली और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2006 में इनकी मूवी आई कठपुतली और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई उत्थान और ये भी डिजास्टर रही। साल 2007 में इनकी मूवी आई काफिला और ये भी डिजास्टर रही। 2008 में इनकी मूवी आई वफा और ये भी डिजास्टर रही। साल 2009 में इनकी मूवी आई रॉयल उत्सव और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सब्बास और ये भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई 99 और कलेक्शन के हिसाब से भाई सब ये वाली मूवी फ्लॉप रही। साल 2010 में इनकी मूवी आई रू और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अशोक चक्र और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एडमिशन ओपन और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मालिक एक और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तारीख और ये भी डिजास्टर रही। साल 2012 में इनकी मूवी आई दाल में कुछ काला है और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सिगरेट की तरह और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2013 में इनकी मूवी आई देखा जो पहली बार और ये वाली मूवी फ्लॉप रही। 2016 में इनकी मूवी आई सनम तेरी कसम और भाई सब कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। हालांकि दोस्तों ये वाली मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। 2018 में इनकी मूवी आई कृष्णा और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2022 में इनकी मूवी आई राजनंदिनी और ये भी डिजास्टर रही। दोस्तों यह था सुदेश जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।